हाय फ्रेंड्स, मैं नाम अकुल भूषण और आप देख रहे हैं क्यूकी वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आप अपने जियो फोन में हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, क्या आप अपने जियो फोन का इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। तो सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए। जैसे कि आपको पता है कि आपको इसमें डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिलता है जियो फोन में हॉटस्पॉट अनेबल करने का, लेकिन आप कुछ वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें आपको हॉटस्पॉट अनेबल करके दिखाते होंगे और वो आपको बताते होंगे कि इस तरह से आप इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको यही बताना होगा कि वो क्या करते हैं और कैसे वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और बस इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से हॉटस्पॉट अनेबल कर पाएंगे, कब तक अनेबल कर पाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो लोग आपको बताते हैं कि हॉटस्पॉट कैसे ऑन करते हैं, वो आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको एक वीडियो में दिखाते हैं कि आप ब्लूटूथ के थ्रू इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। तो उसमें आपको बता देता हूँ क्या दिखाते हैं। पहले वो अपने जियो फोन की सेटिंग में जाते हैं, ब्लूटूथ ऑन करते हैं और बस ब्लूटूथ ऑन करने के बाद अपना एक स्मार्टफोन लेते हैं और कहते हैं कि भाई ये सेटिंग जैसे आपको दिख रहा हो, जैसे मेरा ये रेडमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 4, इसके अगर मैं सेटिंग्स में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंटरनेट एक्सेस। अगर मैं इसको अनेबल कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ तो मेरा इंटरनेट चलने लगेगा ब्लूटूथ के थ्रू। लेकिन भाई वो देखो यहाँ पर कनेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन भाई वो बताते हैं कि आप जियो फोन के थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो बस आपको क्या कहता है कि अपना इसका ब्लूटूथ खोलो जियो फोन का और फिर अपने इसमें स्मार्टफोन में जाओ और इसके सेटिंग में जाओ और यहाँ पर आपको इंटरनेट एक्सेस का ऑप्शन दिखाई दे देता है। तो भाई वो नहीं दिखाई देगा, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे दिखाई देता है। जैसे मैं Redmi Note 4 अगर मैं इसका नाम चेंज करके F30C लिख दूं या फिर जियो फोन लिख दूं और फिर वीडियो बनाकर दिखाने लगूं तो आप सोचेंगे कि भाई जियो फोन का ही है और बस वो यहाँ पर इसको आपको कनेक्ट करके दिखा देंगे। जैसा कि ये कनेक्ट हो चुका है, बस उसमें नेम अलग लिख देगा वो या फिर जियो फोन लिख देगा या फिर अपने मॉडल का नाम और आप सोचेंगे कि भाई जियो फोन का ब्लूटूथ है और उसने कनेक्ट करके दिखा दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ स्मार्टफोन से भी परमिशन देनी पड़ती है इंटरनेट शेयर करने की। अगर आप अपने स्मार्टफोन में वो डिसेबल करेंगे तो वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो सेम इसी तरह है इसमें, जियो फोन में जियो ने इसको डिसेबल कर रखा है तो आप ब्लूटूथ के थ्रू भी इंटरनेट शेयर नहीं कर सकते हैं। और जो आपको मैं दूसरी ट्रिक बता देता हूँ, दूसरी ट्रिक में आपको क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि आपको अपने इस जियो फोन का वाईफाई खोलना होगा, उसको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद आपको जाना होगा एडवांस में, एडवांस में जाने के बाद आपको मैनेज नेटवर्क्स में जाना होगा और यहाँ पर आपको दिखेगा ज्वाइन हिडन नेटवर्क। तो यहाँ पर ज्वाइन हिडन नेटवर्क पर जाने के बाद आपको दिखाता है कि आप अपने यहाँ पर हॉटस्पॉट का नाम रख लो जो रखना है और यहाँ पर सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर अपना पासवर्ड रख दो। बस इतना ही दिखाएंगे भाई आगे, ओके वोके कुछ नहीं करके दिखाएंगे कि बाद में कनेक्ट होता भी है या फिर नहीं। तो बस इतना दिखाकर आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्वाइन हिडन नेटवर्क का मतलब है, मान लीजिए आपको कोई दोस्त है और आप एक गार्डन में बैठे हैं और वहाँ पर उसके घर के वाईफाई की रेंज नहीं आ रही है और आप कहते हैं कि भाई मुझे तेरे घर पर जाकर वाईफाई कनेक्ट करना है, तो वो कहता है कि भाई मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, मुझे भी घर पर नहीं जाना, वहाँ पर मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, मैं आपको बाद में कनेक्ट करके दे दूंगा। तो वो क्या करता है, यहाँ पर जाएगा ज्वाइन हिडन नेटवर्क, यहाँ पर अपने वाईफाई का नाम डालेगा, यहाँ पर सिक्योरिटी सेलेक्ट करेगा जो उसके वाईफाई की है या फिर हॉटस्पॉट की है, यहाँ पर अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड डालेगा और फिर बस उसको ओके कर देगा। ओके करने के बाद वो सेव हो जाएगा और जब भी आप अपने जियो फोन को उसके घर के पास लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इसलिए दे रखा है, तो ये लोग इसका मिसयूज़ करके आपको बताते हैं कि ये हॉटस्पॉट का सिस्टम है। तो बस यही ट्रिक्स आपको YouTube पर मिलेगी अपने हॉटस्पॉट को अनेबल करने की, लेकिन ये सब फेक है, इनसे कुछ नहीं होता। जैसे कि आपने देखा इन्होंने दो तरीके मैंने दिखाए हैं, ये दो तरह की वीडियोस आपको वो YouTube पर मिल रही होगी जिसमें बताते हैं कि आप इस तरह से इंटरनेट शेयर कर पाते हैं। तो पहली बात तो आपने देखा होगा कि वो जो पहला ऑप्शन था उसमें भाई हॉटस्पॉट अनेबल करने का नहीं था, वो उस वाईफाई को कनेक्ट करने का था जो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, अगर वो फ्यूचर में अवेलेबल होगा तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए था। और जो दूसरा था वो उसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि जियो फोन में ब्लूटूथ के थ्रू इंटरनेट शेयरिंग डिसेबल कर रखी है। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से हॉटस्पॉट अनेबल कर पाएंगे और किस कब तक कर पाएंगे। तो पहले आपको बता दूँ कि इसमें हार्डवेयर सपोर्ट करता है हॉटस्पॉट के लिए, क्योंकि इसमें वाईफाई है और जिसके पहले मॉडल्स थे उसमें हॉटस्पॉट था, लेकिन सेम हार्डवेयर होने की वजह से इसमें पता चलता है कि इसमें हॉटस्पॉट बनाए जा सकते हैं। तो पहला तरीका तो हो सकता है कि इसमें कस्टम रोम इंस्टॉल करके उसको अनेबल कर दिया जाए, लेकिन अभी कोई कस्टम रोम इस पर है नहीं, ना ही कोई डेवलपर इसे बना रहा है और ना ही कोई शायद बनाएगा।
रहेगा इसके लिए। तो दूसरा ही चांस इसमें पॉसिबल हो सकता है सिस्टम अपडेट के थ्रू। तो अगर जियो को इतनी सी भी शर्म आती है ना, इतनी सी भी, या फिर उसको दया आती है, तो इसमें अपडेट ज़रूर देगा, क्योंकि इसमें हमें सिस्टम अपडेट के थ्रू हॉटस्पॉट मिल सकता है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली हॉटस्पॉट ओपन कर पाएंगे। और बस इतना ही नहीं कि आप वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू इंटरनेट शेयर कर पाएंगे, आप यूएसबी के थ्रू भी इंटरनेट शेयर कर पाएंगे, क्योंकि जो पहला मॉडल है उसमें यूएसबी के थ्रू भी इंटरनेट शेयर होता था। तो जैसे कि आपके एंड्रॉइड फोन में इंटरनेट शेयर करते हैं, इस सेम उसी तरह इसमें सपोर्ट करने लगेगा अगर जियो इसका सिस्टम अपडेट दे देता है। तो सिर्फ यही पॉसिबल ट्रिक है कि भाई अगर जियो इसमें सिस्टम अपडेट के थ्रू अगर आपको अपडेट दे देता है हॉटस्पॉट का, तो ही आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो भाई ये कमेंट आ रहे थे कि भाई वीडियो बनाओ, मैंने बता दिया था कि भाई सिस्टम अपडेट के थ्रू आएंगे, ऐसा कोई ट्रिक अभी नहीं है, लेकिन यार फिर भी मुझे वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि भाई कुछ यूज़र्स नहीं समझ पा रहे थे और मैं भी कमेंट्स के बार बार रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम या सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई सब्सक्राइब करो, जाके देखो जियो की ही वीडियो भरी पड़ी है। अगर आप जियो से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं सबसे पहले और वर्किंग ट्रिक वाली, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे आप पहली वीडियोस जाकर देख लीजिए।